इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम निफ्टी में सोमवार के दिन ट्रेड ले सकते हैं। देखो, हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, जब भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे होती है, जो तो उस टाइम पे जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं, उनके प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जो भी ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं, उनके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बड़े ट्रेडर जब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं तो वो अपनी पोजीशन साइजिंग के साथ प्ले कर सकते हैं, और पोजीशन साइजिंग के साथ कैसे प्ले करना होता है वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले हम हमारे इन लेवल्स की एक बार बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारे सबसे ऊपर का रिजेक्शन जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 20,500। मेरे को नहीं लग रहा कि देखो अभी मार्केट में बहुत अच्छा, बहुत प्यारा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मार्केट 20,500 को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन की तरह बिहेव करने वाला है इस जोन पे। तो हमें 20,500 के लेवल को माइंड में रखना है। उसके बाद आज मार्केट ने एक कंसोलिडेशन जोन बनाई है, और एक कंसोलिडेशन जोन का जो अपर लेवल है वो अपर लेवल है हमारा 20,290 का, और जो इस कंसोलिडेशन जोन का जो लोअर लेवल है वो हमारा 20,240 का। तो जैसे ही मार्केट सोमवार के दिन इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा, तो उस कंडीशन में, ब्रेकआउट की कंडीशन में हम यहाँ पे कॉल बाइंग कर सकते हैं, और ब्रेकडाउन की कंडीशन में हम यहाँ पे पुट बाइंग कर सकते हैं। और इन दोनों ऑप्शन बाइंग के हमारे टारगेट क्या होंगे ये हम चार्ट पे देखने वाले हैं। उसके बाद 240 के बाद हमारा अगला जो सपोर्ट निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है 20,180 का। उसके बाद हमारा सपोर्ट है 20,160 का, और उसके बाद अगला सपोर्ट आएगा हमारा 20,160 का। मार्केट में हर 20-30 पॉइंट के बाद एक सपोर्ट बैठा ही है, और ये जो 20,160 का सपोर्ट और 20,130 वाले सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि 20,160 का गैप अप वाला सपोर्ट है। गैप अप हुआ था मार्केट जो आज, वहां जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है ये है हमारा 20,160 का। तो चलो अभी एक बार इनको ना चार्ट पे देख लेते हैं। देखो, चार्ट पे इन सारे लेवल्स को देखते हैं अपन। उससे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम बता देता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा दिख रहा है, कितना प्यारा मार्केट दिख रहा है अभी। यदि हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने, एक सेकेंड, ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन, मार्केट यहाँ नीचे गया, मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है येलो कलर की, इससे सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया 1 पे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, फेक ब्रेकडाउन दिखाया, और फेक ब्रेकडाउन दिखाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत प्यारा, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट दिखाया हुआ है। इसके बाद तो यहाँ से हमें ये चीज तो पता चल गई कि मार्केट की वीकली टाइम फ्रेम पॉजिटिव है, निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है। उसके बाद हम यदि डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने 19,875 के लेवल पे बहुत प्यारा कंसोलिडेशन किया। देखो, इससे पहले भी मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और अब भी मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक प्यारा गैप अप के साथ एक बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया, और मार्केट इस ब्रेकआउट को सस्टेन भी कर रहा है। और अभी इंडियन मार्केट के लिए गुड न्यूज भी है, और यूएस मार्केट तो अच्छा कर ही रहा है, तो अपन के पास रीजंस भी है मार्केट में ऊपर जाने के लिए। तो वीकली टाइम फ्रेम भी हमारा पॉजिटिव है, और हमारा जो डेली टाइम फ्रेम है वो भी पॉजिटिव है। तो एक चीज तो हमें वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम देखने से ये पता चल गई कि यदि हम कोई भी पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेंगे उसमें हमारी क्वांटिटी नेगेटिव साइड के ट्रेड से ज्यादा रहने वाली है। और आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो मेरे को ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, तो हम सीधे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक बार लेवल बता देता एक बार। देखो, 20,500 का जो लेवल है वो तो एक खुद में साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस जो मार्केट अभी ब्रेकआउट देके चल रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है 19,900 के अराउंड से। तो मार्केट जैसे ही 20,500 के लेवल पे पहुंचेगा, 20,500 के लेवल पे मार्केट जैसे ही पहुंचेगा तो मार्केट का 600 पॉइंट का 1 वे रैली हो जाएगी। तो मार्केट में वहां पे एक कंसोलिडेशन होने के चांसेस है, या फिर एक करेक्शन आने के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए एक तो हमारा 20,500 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस 20,500 लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसलिए हमें 20,500 के लेवल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद हमें जो हमारा लेवल था जो कि इस कंसोलिडेशन जोन का अपर साइड का लेवल है वो है 20,290। देखो, जैसे ही मार्केट, यदि सोमवार के दिन मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, देखो इस जोन में ही मार्केट को ओपन होना पड़ेगा, यदि मार्केट सोमवार के दिन इस जोन में ओपन होता है और इस जोन में ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, 20,290 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 20,330। देखो, 40 पॉइंट का ही हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। देखो, ऑल टाइम हाई पे हमेशा जो भी टारगेट होते हैं हमारे छोटे रहते हैं,
30 से 40 पॉइंट, मैक्सिमम 45 पॉइंट का हम निफ्टी में सोमवार के दिन टारगेट लेंगे। इससे ज्यादा हम कोई भी टारगेट के लिए नहीं जाने वाले। और डाउनसाइड की यदि हम बात करेंगे तो हमारा 240 का जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, 20,240 के लेवल को जैसे ब्रेक डाउन करेगा, हम यहाँ पे पुट साइड की पोजिशन लेने वाले। लेकिन पुट साइड की पोजिशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हम पुट साइड की पोजिशन कैसे लेने वाले हैं और उसमें क्वांटिटी साइज को हम कैसे मैनेज करने वाले हैं। देखो एक चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जितने भी बंदे ना ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑल टाइम हाई के बाद आपको ऑप्शन बाइंग ना करो तो ही बेटर है, क्योंकि लास्ट वीक में हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आज तो मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं, लेकिन लास्ट 3 दिन में हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन बाइंग यदि आप थोड़े दिन के लिए भूल जाओ, थोड़े दिन मतलब 2-3 दिन के लिए तो आपको भूलना पड़ेगा, जब तक मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे एक कंसोलिडेशन नहीं कर लेता तब तक के लिए आपको ऑप्शन बाइंग भूलनी पड़ेगी, वरना मार्केट आपको रुला सकता है। लिटरली मार्केट यहाँ पे जो डके देगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो हम हमारी पुट की पोजिशन को समझ लेते कि हमें पुट बाइंग कैसे कैसे करना है। कि देखो जो भी आप लॉट साइज लेते हो, मैं 10 लॉट से एग्जाम्पल आपको देके बता देता, जैसे ही मार्केट 240 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, आपको 3 लॉट से एंट्री ले लेनी है मार्केट में। 3 लॉट से आपको पुट बाइंग की पोजिशन लेनी है। और जैसे ही मार्केट फिर ये जो हमारा लेवल है 20,210, 20,210 के लेवल को जैसे ही फिर मार्केट ब्रेक करेगा, हम बचे कुचे हमारे 7 लॉट यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 20,180 का, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और यदि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हम मैक्स टू मैक्स 160 के लेवल तक जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 20,240 के लेवल पे अपनी 100% क्वांटिटी यूज नहीं करनी है। आप यहाँ पे 3 लॉट की जगह 4 लॉट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यही आपकी क्वांटिटी साइजिंग रहेगी और आपको क्वांटिटी साइजिंग से ऐसे ही प्ले करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, जो अपसाइड के लिए हम कॉल बाइंग करने वाले ना वो हम 2 बार में करने वाले। मान लो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट देकर नीचे आया, फिर से यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर से हम यहाँ पे कॉल बाइंग करेंगे। और यदि मार्केट ने उस टाइम टारगेट दिया तो ठीक है, और लॉस दिया तो भी ठीक है, फिर हमारी हम बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारे 20,240 का लेवल और 20,290 का लेवल। और ये चीज तो मैंने आपको बता दिया कि 35 से 45 ये मैक्सिमम पॉइंट है आपके लिए सोमवार के लिए, यदि आप ऑप्शन बाइंग करते हो। और मैं तो बोल रहा हूँ कि यदि आप फ्यूचर बाइंग कर सकते हो तो फ्यूचर बाइंग ही करना, जिससे आपको प्रीमियम डिके का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। उसके बाद देखो ये हमारा, एक सेकेंड इनको हटा देता, उसके बाद मैं बताता। देखो उसके बाद ये जो ये हमारा लेवल है 180 का लेवल, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद जो मार्केट का लास्ट डे का हाई है वो है 20,160। इसलिए ये दो लेवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हो सकता है कि मार्केट 180 के लेवल को ब्रेक करे, 160 के लेवल पे आए और यहाँ से मार्केट घूम जाए, क्योंकि मार्केट को एक बार गैप तो फिल करना है। तो गैप फिल करने तो मार्केट आएगा, तो और हो सकता है कि मार्केट गैप फिल करेगा और सीधे मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मार्केट यहाँ पे एक रिटेस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन भी मार्केट में बना सकता है, तो उस चीज के लिए भी हमें मार्केट में ध्यान देके चलना पड़ेगा। अभी देखो हम यहाँ पे आते हैं हमारी पोजीशन साइजिंग को लेके, कि हमें हमारी पोजीशन साइजिंग से कैसे प्ले करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है हमें हमारी 100% पोजीशन साइजिंग यूज नहीं करनी है, ठीक है। हम हमारी कितनी परसेंट पोजीशन साइजिंग यूज करने वाले, मैक्स टू मैक्स 70% पोजीशन साइजिंग हम हमारी यूज करने वाले, तभी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और जो भी मार्केट में लॉस होने के चांसेस है ना, देखो प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही ट्रेडर होता है जो अपने लॉसेस को कंट्रोल में कर सके। यदि किसी बंदे का रोज प्रॉफिट हो रहा है लेकिन एक दिन में एक बहुत बड़ा लॉस हो जा रहा है, तो वो बंदा लॉस मेकिंग ट्रेडर ही हमेशा रहेगा। तो हमें हमारे लॉसों को कैसे कंट्रोल करना है, हमें हमारे लॉसों को कंट्रोल करना है हमारी पोजिशन साइजिंग के साथ प्ले करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी क्वांटिटी जो साइजिंग रहने वाली है वो मैक्सिमम 70% की रहने वाली, इससे ज्यादा हम पोजिशन साइजिंग में प्ले नहीं करेंगे। उसके बाद हमारी जो सेकंड चीज आती है कि हम एक साथ हमारी 70% क्वांटिटी को यूज नहीं लेने वाले। जैसे मैंने अपनी पुट की कंडीशन में बताया ना, पहले हम हमारी 30% क्वांटिटी यूज में लेने वाले, उसके बाद हम हमारी बची कुची क्वांटिटी यूज में लेंगे। सेम चीज हम हमारे हर लेवल पे ये करने वाले हैं। और जितने भी लोग 1 लॉट या फिर 2 लॉट से ट्रेड लेते हैं ना, तो भाई मैं आपके लिए बता दूं, आपके लिए यहाँ पे रुपए बचाना जरूरी है ना कि कमाना। तो आपके लिए 30 पॉइंट का ही टारगेट रहेगा हर, आपने 20,290 का लेवल के ब्रेकआउट पे आपने कॉल बाइंग की, तो आप 30 पॉइंट मार्केट से लो और मार्केट से बाहर एग्जिट
कर जाओ, इससे ज्यादा मार्केट में आपको बैठने की बिल्कुल भी जरूरी जरूरत नहीं है। अभी हम फिर से एक और बार हमारे लेवल्स को देख लेते हैं। 20,500, 20,290, 20,240, 20,180, 20,160 और 20,130। देखो हमारे पास बाइंग साइड के दो रीजन तो हमें डेली टाइम फ्रेम और आवली सॉरी डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम से देखने को मिले थे कि वीकली टाइम फ्रेम भी हमारी पॉजिटिव है और डेली टाइम फ्रेम भी हमारी पॉजिटिव है। प्लस यहाँ पे एक और चीज हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि मार्केट में हर 20 पॉइंट पे एक ना एक सपोर्ट बैठा है और नीचे से ये बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसकी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की हुई है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सोमवार के दिन आपको लेवल्स के साथ नहीं, अपनी क्वांटिटी साइजिंग के साथ प्ले करना है यदि आपको सोमवार के दिन प्रॉफिट में एग्जिट करना है तो।